आज देश भर में पूरे प्रेम और हर्षोल्लास से ईद मनाई जा रही है। सुबह से ही बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है, तो वहीं देश के अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है और अपनों के लिए ऊपर वाले से अमन चैन की दुआ मांगी है। आपको बता दें कि पूरे एक महीने के कठिन रोजे के बाद ईद का त्योहार आता है। इस दिन लोगों के घरों में सेवइयां बनती है, इसलिए इस पर्व को मीठी ईद भी कहा जाता है। इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों से मस्जिदों में लोगों के नमाज अदा करने की तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। कर्नाटक में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए 150 सीटों का लक्ष्य तय करने के ठीक एक महीने बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार देर रात बेंगलुरु पहुंचे। इस बार उनका दौरा राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार की अटकलों के बीच हो रहा है। खबरों के मुताबिक नेता बोमई के आवास पर मंगलवार को दोपहर के भोजन पर मिलेंगे और उसके बाद शाम को पार्टी के राज्य मुख्यालय में नेताओं की मुलाकात होगी। विधानसभा चुनाव के लिए एक साल से भी कम समय शेष रहने से पहले हो रहे शाह के इस दौरे को मोटे तौर पर आधिकारिक दौरा ही माना जा रहा है। इस दौरे में शाह द्वारा मुख्यमंत्री बोमई, वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा सहित अन्य नेताओं से मिलकर पार्टी के चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राजनीतिक दल 2020 द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जल्द केरल का दौरा करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2020 ने 15 मई को अपने वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे दिल्ली सीएम ने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देते हुए 2020 के संस्थापक साबू जैकब ने कहा, मैं सीएम अरविंद केजरीवाल का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को शालीनता से स्वीकार किया। 2020 भी भारत राजनीतिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में विश्वास करती है। आम आदमी पार्टी ने हम जैसी पार्टियों को चुनावी सफलता हासिल करने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सोमवार की देर शाम सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी हमला किया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। घटना की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद से जुड़े संगठन द कश्मीर टाइगर्स ने ली। इस संगठन ने पिछले साल दिसंबर में खरीव में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हुए हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक लगाया। इस बीच सोमवार की सुबह पुलवामा में ही आतंकियों की बड़ी वारदात की साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक लगाया था। दोनों घायल जवानों की हालत स्थिर बनी है। पुलिस ने बताया कि अवंतीपोरा के लारमो इलाके में सीआरपीएफ के जवान 2 बंकर से तलाशी अभियान चला रहे थे। इस दौरान आतंकियों ने वाहन को निशाना बनाकर आईईडी हमला किया। इसमें 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया है। दोनों घायल जवानों की हालत जो है स्थिर बनी हुई है। तत्काल पूरे इलाके को घेर कर आवागमन रोक दिया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया गया है, लेकिन आतंकियों का कोई अभी सुराग हाथ नहीं लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत सोमवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे हैं। बर्लिन पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया, जहां प्रधानमंत्री ने बच्चों से दिल खोलकर मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे एक बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं और बच्चे का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे ने पीएम मोदी के स्वागत में एक देशभक्ति गीत गाया, जिसने उनका दिल जीत लिया। बच्चे द्वारा गाए गाने के बोल थे, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस वीडियो को बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी शेयर किया है और कहा है कि इस बच्चे के देश प्रेम के इतने प्यारे अंदाज को देखकर दिल खुश हो गया। पीएम मोदी के स्वागत में बच्चे के गाए गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कई लोगों ने इंटरनेट पर शेयर किया है और बच्चे की देशभक्ति की तारीफ की है। पीएम मोदी ने बच्चे से काफी देर तक बात की, बच्चे ने काफी कुछ सुनाया और पीएम मोदी ने उसका हौसला बढ़ाया। बच्चे के गाने को सुनकर प्रधानमंत्री काफी खुश हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चे से गाने को सुनते हुए वीडियो को शेयर किया है। बच्चे के गाने को सुनने के बाद पीएम ने उसकी तारीफ की और उसके सर पर हाथ थपथपाया।